मैनिया कॉप 2। तो मूवी के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि जब कॉर्डल ट्रक लेकर भाग रहा था तो एक लोहे की रॉड उससे टकरा गई थी, जिसकी वजह से वो ट्रक एक नदी में गिर जाती है। फिर पुलिस के काफी ढूंढने पर भी उन्हें नदी में कॉर्डल नहीं मिलता, जिसकी वजह से सभी पुलिस ऑफिसर उसे मरा हुआ मान लेते हैं। इसके बाद हमें नदी में किसी के तैरने की आवाज आती है, तभी कोई पुलिस की एक पुरानी कार लेकर यहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में हम एक ग्रोसरी स्टोर को देखते हैं, जहाँ एक चोर आकर स्टोर का सामान चुराने लगता है, पर स्टोर का ओनर उसे देख लेता है और वो उससे बात करने की कोशिश करता है। तभी वो चोर उस ओनर को गन पॉइंट पर ले लेता है, जिससे वो ओनर चुपके से साइलेंट अलार्म को प्रेस कर देता है और पुलिस के पास यहाँ की लोकेशन चली जाती है। इधर स्टोर में चोर उस ओनर से सभी पैसे मांगने लगता है, फिर वो चोर को दिखाता है कि उसके पास पैसे नहीं है, इसीलिए वो चाहे तो स्टोर से कोई भी सामान ले सकता है। तभी उस आदमी की नजर वहाँ रखी लॉटरी टिकट पर जाती है, फिर वो उस ओनर से टिकट को स्क्रैच करवाता है, जिसमें से 5000 बक्स का इनाम निकलता है। ये देखकर वो चोर काफी खुश होता है। तभी वहाँ पर कॉर्डेल आ जाता है, जिसे देखकर वो चोर उसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉर्डेल पर गोली का कोई असर नहीं होता। अब स्टोर का ओनर कॉर्डेल को पुलिस ऑफिसर समझकर काफी खुश होता है, पर तभी कॉर्डेल उस चोर से गन लेकर स्टोर के ओनर को मार डालता है और फिर वो उसको गन देकर वहाँ से भाग जाता है। तभी यहाँ पुलिस ऑफिसर आ जाती है, जो उस चोर के हाथ में गन देखकर उसे शूट करके मार डालते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो चोर उन्हें भी शूट करने वाला है। इसके बाद पुलिस स्टोर के अंदर चेक करने के लिए जाती है, जहां उन्हें स्टोर के ओनर की डेड बॉडी मिलती है। अब अगले दिन जैक और टेरेसा डिप्टी कमिश्नर डोयले के पास होते हैं, जहाँ टेरेसा को लग रहा था कि कॉर्डेल अभी भी जिंदा है, लेकिन कमिश्नर को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। तभी जैक उनसे अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के बारे में पूछता है, जिस पर डिप्टी कमिश्नर उन्हें साइकोलॉजिस्ट रिले से मिलने के लिए बोलता है। इसके बाद ये दोनों रिले से मिलते हैं, जो उनसे कॉर्डेल के बारे में पूछने लगती है। कॉर्डेल की बात सुनकर जैक और टेरेसा के बीच बहस हो जाती है, जिससे टेरेसा यहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर रायली जैक को ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए मना कर देती है, क्योंकि वो मेंटली फिट नहीं था। दूसरी तरफ हम एक चोर को देखते हैं, जिसे लेफ्टिनेंट मैकनी शूट करके मार डालता है। अब कोई भी ऑफिसर जब किसी को शूट करता है तो उसे साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है, इसीलिए मैकनी अगले दिन रिले के पास जाता है, जहां रिले उससे उसके पार्टनर के बारे में पूछती है, जिसने कुछ दिन पहले सुसाइड कर लिया था। पर मैकनी इस बारे में उससे बात नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो वहां से चला जाता है। अब रात में जैक एक न्यूज स्टैंड पर जाकर न्यूज पेपर पढ़ने लगता है। उस न्यूज स्टैंड का अटेंडेंट अंधा होता है, तभी कॉर्डेल वहां आकर जैक पर पीछे से हमला करके उसे मार डालता है। जैक की आवाज सुनकर अटेंडेंट तुरंत पुलिस के पास कॉल करता है। फिर जब टेरेसा को जैक की मौत के बारे में पता चलता है तो वो काफी ज्यादा दुखी होती है। मैकनी को टेरेसा पर शक होता है, इस पर टेरेसा उससे कहती है कि अगर तुम्हें जैक के मर्डरर के बारे में जानना है तो तुम कमिश्नर से बात करो। उसके बाद मैकनी कमिश्नर के पास जाकर उनसे बात करता है, जहां मैकनी को पता चलता है कि कॉर्डेल को गलत केस में फंसा कर जेल में डाला गया था और इसमें कमिश्नर भी शामिल था, इसीलिए कमिश्नर इस बात को प्राइवेटली रखना चाहता था। अगले सीन में एक ऑफिसर एक आदमी के कार को टो करने वाला होता है, जहां वो आदमी उससे काफी रिक्वेस्ट करता है, पर वो ऑफिसर उसकी बात नहीं मानता। तभी कोई उसके सिर पर अटैक करके उसे मार डालता है और डेड बॉडी को हुक में लटका कर वहां से जाने लगता है। फिर उस आदमी को अपनी कार मिल जाती है, जिससे वो काफी खुश होता है। इधर जैक के किलर के बारे में जानने के लिए रायली न्यूज स्टैंड पर जाती है और उस अटेंडेंट से पूछती है कि क्या तुमने जैक के किलर की बॉडी को टच किया था। इस पर अटेंडेंट उसे बताता है कि उस किलर की बॉडी बर्फ की तरह ठंडी थी, जैसे कि वो कोई डेड बॉडी हो। ये सुनकर रायली काफी हैरान होती है और वो सोचने लगती है कि शायद टेरेसा सही बोल रही थी। उधर पुलिस उस आदमी को पकड़ लेती है, जिसकी कार एक ऑफिसर टो करने वाला था। अब क्योंकि उस ऑफिसर को किसी ने मार दिया था, इसीलिए वो आदमी इन ऑफिसर को बताता है कि उस ऑफिसर को किसी बड़े से ऑफिसर ने मारा था, पर ये ऑफिसर उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। दूसरी तरफ रायली टेरेसा के पास जाती है, जो कि एक होटल में शिफ्ट होने के लिए अपने कपड़े पैक कर रही थी। रायली उसे बताती है कि उसने कॉर्डेल के बारे में पढ़ा है कि उसके साथ क्या हुआ था। फिर टेरेसा और रायली दोनों टैक्सी में बैठकर यहाँ से जाने लगती हैं। तभी अचानक से टैक्सी में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे टैक्सी का ड्राइवर गाड़ी को एक किनारे रोक देता है। फिर चेक करने पर ड्राइवर को पता चलता है कि गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है, इसीलिए वो टायर चेंज करने के लिए अपना सामान निकालने लगता है। तभी टेरेसा एक पुरानी पुलिस की कार को इधर आती हुई देखती है, इसीलिए वो टैक्सी लेकर यहाँ से भागने लगती है।
रायली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि टेरेसा अचानक से गाड़ी लेकर क्यों भाग रही है। तभी वो पुरानी गाड़ी उस ड्राइवर को टक्कर मारकर उड़ा देती है जिससे कॉर्डल ड्राइव कर रहा था। अब टैक्सी का टायर पंक्चर होने की वजह से टेरेसा ज्यादा तेज गाड़ी नहीं भगा पाती, इसलिए कॉर्डल उसके पास आकर उसकी गाड़ी को टक्कर मार देता है जिससे वो टैक्सी एक जगह फंस जाती है। इसके बाद टेरेसा गन लेकर बाहर निकलती है और कॉर्डल को शूट करने लगती है, लेकिन कॉर्डल पर गोलियों का कोई असर नहीं होता जिसकी वजह से वो टेरेसा को दूर फेंक देता है। रायली भी कार के अंदर होती है, तभी कॉर्डल उसके पास जाकर उसका हाथ स्टीयरिंग में लॉक कर देता है और गाड़ी को धक्का देकर हाईवे पर भेज देता है। तभी टेरेसा को एक चैनसो मिल जाता है जिसे लेकर वो कॉर्डल पर अटैक करने लगती है, लेकिन कॉर्डल चैनसो को फेंक देता है और टेरेसा का गर्दन तोड़कर उसे मार डालता है। इधर रायली गाड़ी में लटकी हुई होती है जो हाईवे पर चली जाती है। हाईवे पर वो गाड़ी बहुत सी गाड़ियों से टकराने लगती है। अब किसी तरह रायली गाड़ी के अंदर बैठ जाती है, तभी उसके सामने एक कार आती है जिसे बचाने के चक्कर में रायली का एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ देर बाद यहाँ मेडिकल टीम आकर रायली को चेकअप के लिए भेजने लगती है। तभी रायली के पास मैकनी आता है जो उससे इंक्वायरी करने लगता है। रायली उसे बताती है कि मैंने कॉर्डल को देखा है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि कोई नया किलर अलग अलग स्टेज डांसर को मार रहा है। इस केस के बारे में न्यूज रिपोर्टर रायली और कमिश्नर से बात करता है। तभी रायली उसे कॉर्डल के बारे में बताती है। ये सुनकर कमिश्नर उसे शांत रहने के लिए बोलता है, लेकिन रायली उसकी बात नहीं मानती जिससे वो न्यूज रिपोर्टर इस शो को बंद कर देता है। शो बंद होने के बाद कमिश्नर रायली को सस्पेंड करने की धमकी देता है। इस पर रायली उससे कहती है कि कॉर्डल तुम्हें जल्द ही मिलेगा। दूसरी तरफ स्टीवन नाम का एक आदमी क्लब में बैठकर यही न्यूज देख रहा होता है। फिर न्यूज बंद होने के बाद वो एक स्टेज डांसर को देखता है। उस डांसर को देखकर स्टीवन उस पर फिदा हो जाता है। स्टेज शो खत्म होने के बाद वो डांसर वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए जाती है। तभी कोई आदमी उसके डोर को तोड़ने की कोशिश करता है जिसे देखकर वो डांसर काफी डर जाती है। इसके बाद कोई वॉशरूम की विंडो तोड़कर उस डांसर के पास चला आता है। तभी हम देखते हैं कि वो स्टीवन है। स्टीवन उस डांसर का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां कॉर्डल आ जाता है जो उस डांसर का गला दबाने लगता है। इसी बीच वहां दो पुलिस ऑफिसर आ जाती हैं। फिर कॉर्डल उन दोनों पुलिस ऑफिसर्स को मार देता है और स्टीवन के साथ यहां से भाग जाता है। अब स्टीवन कॉर्डल को एक सीक्रेट रूम में ले जाता है जहाँ वो कॉर्डल को कुछ डांसर लड़कियों की फोटो दिखाता है जिसे उसने मार दिया होता है। स्टीवन कॉर्डल को ये सब बता रहा था, पर कॉर्डल कुछ भी नहीं बोल पा रहा था क्योंकि उसका फेस पूरी तरह खराब हो चुका था। फिर कॉर्डल किसी तरह उसे अपना नाम बता देता है जिसे सुनकर स्टीवन समझ जाता है कि वो ही कॉर्डल है, इसलिए वो उससे दोस्ती कर लेता है। इसके बाद कॉर्डल वहां से जाने लगता है। तभी स्टीवन उससे कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। उधर मैकनी उस डांसर की मदद से स्टीवन को पकड़ने का प्लान बनाता है क्योंकि वो केवल स्टेज डांसर को ही अपना शिकार बनाता है, इसलिए वो फिर से मर्डर करने के लिए क्लब में जरूर आएगा। इसके बाद कमिश्नर रायली मैकनी और वो डांसर जिसका नाम चेरिल होता है ये चारों क्लब में चले जाते हैं। कुछ देर बाद स्टीवन यहाँ भी आ जाता है जिससे चेरिल उसे पहचान जाती है और ऑफिसर को भी बता देती है। तभी स्टीवन इन्हें देखकर यहाँ से बच निकलने की कोशिश करता है, पर रायली उसे पंच मारकर नीचे गिरा देती है। इसके बाद मैकनी उसे जेल में डाल देता है। तभी स्टीवन मैकनी से कहता है कि मेरा दोस्त मुझे जल्द ही लेने के लिए आएगा। अब रात में कुछ ऑफिसर्स गन चलाने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तभी वहाँ कॉर्डल आकर उन सभी को मार डालता है। फिर वो अंदर जाकर बाकी के कुछ ऑफिसर्स को शूट करके मारने लगता है। इसके बाद कॉर्डल स्टीवन को जेल से बाहर निकाल कर ले जाता है। अब इस बात का पता जब मैकनी को लगता है तो वो काफी हैरान होता है। पुलिस स्टेशन आने के बाद मैकनी को पता चलता है कि कॉर्डल ने स्टीवन के साथ एक और क्रिमिनल को फ्री करा लिया है। अब स्टीवन और कॉर्डल एक पुलिस ट्रक लेते हैं और वहां से सिंग सिंग जेल की तरफ निकल पड़ते हैं। ये देखकर पुलिस इनका पीछा करने लगती है। वहीं मैकनी कमिश्नर से कहता है कि तुम्हें कॉर्डल पर लगे केस को ओपन कराकर उसे न्याय दिलाना चाहिए। ये सुनकर कमिश्नर मैकनी से कार रोकने के लिए कहता है, जिससे मैकनी किनारे पर कार रोक देता है। तभी मैकनी के समझाने पर कमिश्नर को भी रियलाइज हो जाता है कि उसे कॉर्डल को न्याय दिलाना चाहिए। अब कुछ देर बाद कॉर्डल सिंग सिंग के डेथ हाउस पर पहुंच जाता है। अंदर जाने के बाद कॉर्डल सिक्योरिटी गार्ड्स को मारकर उसका चाबी ले लेता है, जिससे ये दोनों अंदर चले जाते हैं। तभी कमिश्नर और मैकनी भी यहां आ जाते हैं। कमिश्नर रेडियो के जरिए कॉर्डल से अपनी गलती की माफी मांगता है, लेकिन कॉर्डल नहीं रुकता और वो उन साइको लोगों को पहचान जाता है जिसने उसका ये हाल किया था। तभी उनमें से एक आदमी कॉर्डल को आग लगा देता है, लेकिन
कॉर्डल पर आग का कोई भी असर नहीं होता, इसीलिए वो अपने सभी विक्टिम्स को एक एक करके मारने लगता है। स्टीवन को लगता था कि वो यहाँ अपने जैसे और भी लोगों को फ्री कराने आया है, पर कॉर्डल यहाँ अपना बदला पूरा करने आया था। ये सब देखकर स्टीवन गुस्सा होकर कॉर्डल के ऊपर हमला करने के लिए जाता है। तभी आग से जलता हुआ कॉर्डल स्टीवन के साथ दीवार तोड़कर नीचे कूद जाता है, जिससे ये दोनों नीचे ट्रक पर गिर जाती है और वहाँ तेजी से ब्लास्ट होता है, जिसमें ये दोनों ही जलकर मारे जाते हैं। इसके बाद कॉर्डल का पूरी रिस्पेक्ट के साथ फ्यूनरल होता है और उसकी कब्र भी उन बाकी के ऑफिसर के साथ बनाई जाती है जिन्हें कॉर्डल ने मारा था। फिर जब कॉर्डल का ताबूत नीचे चला जाता है तो मैकनी कॉर्डल के बैच को उसके ताबूत पर गिरा देता है। इसके बाद मैकनी रायली के साथ यहाँ से चला जाता है। तभी हम ताबूत का सीन देखते हैं जिसमे से कॉर्डल का हाथ बाहर निकल कर उस बैच को ले लेता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।